हाय किड्स, हाय सर। आप देखो जो हमने चैप्टर पढ़ा, कौन सा चैप्टर पढ़ा हमने? टीम वर्क। तो उसमें ये कुछ एक्सरसाइजेज हैं वो हमको करनी है। वो बोल रहे हैं कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, इफ नोबडी पासेस द बॉल इन अ बास्केटबॉल गेम देन यू कैन नॉट, क्या होगा इसका? अगर कोई भी बंदा बास्केटबॉल में अगर गेम बॉल को पास नहीं करेगा तो क्या होगा? देन यू कैन नॉट कंप्लीट द गेम, कंप्लीट द गेम। ओके, इन रिले रेस इफ नो वन पासेस द बैटन देन, रिले रेस में अगर बैटन को पास नहीं किया जाएगा तो क्या हो जाएगा? द रेस, देन द रेस विल नॉट विन, नो कंप्लीट। वो रेस भी पूरी नहीं हो पाएगी ना, क्योंकि रेस तो तभी पूरी हो पाएगी जब बैटन एक जगह से दूसरी जगह जाएगी। ओके, अब वो बोले थिंक एंड राइट, नेम द टीम मेंबर्स नीडेड फॉर द फॉलोइंग, टू प्ले क्रिकेट वी नीड, क्रिकेट खेलने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ती है? बैट्समैन, बॉलर, फील्डर, कोचेज, कोच मतलब जो कोचिंग कर देते हैं। अब एक फिल्म बनाने के लिए हमको क्या चाहिए? डायरेक्टर, प्रोड्यूसर। ओके, डायरेक्टर, एक्टर, फोटोग्राफर, प्रोड्यूसर, ओके, फोटोग्राफर, कैमरामैन बोलते हैं उसको, कैमरामैन, और बहुत सारे और भी लोग हैं जैसे हेल्पर्स हैं जो शूटिंग करते हैं, जो लाइट चलाते हैं, ठीक है? टू रन अ गुड स्कूल, एक अच्छा स्कूल चलाने के लिए हमको क्या चाहिए? टीचर, चिल्ड्रन, फर्नीचर, टीचर, चिल्ड्रन, बुक्स, नोटबुक्स, वेरी गुड, और फर्नीचर। एक रेस्टोरेंट चलाने के लिए हमको क्या चाहिए? फर्नीचर, कुक, मैनेजर, मेन्यू कार्ड, वेरी गुड, ठीक है? ऐसे बहुत सारी चीज़ें, कस्टमर्स चाहिए हमको और खाने का सामान चाहिए, क्योंकि रेस्टोरेंट तो बिना खाने का चलेगा नहीं ना, मेन तो रेस्टोरेंट में खाना ही होता है। ओके, तो आप खाना भी लिख सकते हो, उसमें लिख सकते हो आप फूड आइटम्स। ओके, अब देखो क्या बोले, कंप्लीट द सेट्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स वन हैज बीन डन फॉर यू, इसमें राइमिंग वर्ड्स हमको लिखने हैं, ठीक है? जैसे टीम का उन्होंने क्या लिखा हुआ है? बीम, प्लस का दस, डन का फन लिख सकते हो, क्योंकि आपको राइमिंग लिखनी है ना, जरूरी नहीं है उसी जैसे दिखे हो, डन का फन लिख सकते हो, हूप, सूप लिख सकते हो, लूप लिख सकते हो, सूट का बूट, बूट, गोल का बॉल, होल, जॉय का टॉय, टॉय हो सकता है, और बॉय हो सकता है, ठीक है? अभी रीड द पोएम, ये पोएम आपको पढ़नी है, For want of a nail. चलो रीड करो इस पोएम को। For want of a nail. एक बच्चा पढ़ेगा, एक बच्चा। For want of a nail, the shoes was lost. For want of a shoes, the horse was lost. For want of horse, the rider was lost. For want of a rider, the battle was lost. For want of a battle, the kingdom was lost. And all for the want of a nail. ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. अब वो बोल रहे हैं ना, फॉर्म क्वेश्चंस फ्रॉम द आंसर्स गिवन इन द स्पीच बबल्स। अब देखो ये कुछ स्पीच बबल्स देगा हमें, इनमें आपको क्वेश्चंस लिखने हैं, ठीक है? अब देखो जैसे यहाँ पर आंसर लिखा हुआ है, द शू वाज लॉस्ट बिकॉज ऑफ द नेल, तो क्या बनेगा क्वेश्चन? इसकी जगह पे आप क्या लगा दोगे? व्हाट वाज लॉस्ट बिकॉज ऑफ द नेल। वैसे ही देखो यहाँ पर द किंगडम की जगह क्या लग जाएगा? Fought. ठीक है? वैसे यहाँ पर फिर से द बैटल की जगह क्या लग जाएगा? What was lost because there was no rider. Clear है? Yes, sir. समझ आया? Yes, sir. जरूरी नहीं है आप ऐसे ही क्वेश्चन बनाओ, आप कुछ और क्वेश्चन भी बना सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन तो बहुत सारे हो सकते हैं, yes, और उसके आंसर क्या होंगे? एक ही होंगे। क्लियर है? Yes, sir. समझ आया? Yes, sir.